खबर महाराजगंज से है, जहां कच्ची सड़क में बरसात होने के कारण रोड पर पानी भर जाने और कीचड़ होने के कारण आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया है। ये मार्ग अवरुद्ध होने से हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। वहीं बीमार व्यक्ति समय से इलाज नहीं करा पा रहे और एक महीने से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। ग्रामीण जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन के से बार बार गुहार मनुहार करते हैं, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बन पाई। क्या दिक्कत है बताओ? दिक्कत है मतलब पानी बरस देता है तो ऐसे जा नहीं पाते हैं, ठेहुन भर लग जाता है कहीं और स्कूल नहीं जा पाते हैं। और मतलब वैसे जाते हैं तो 2-4 किलोमीटर दूर पड़ जाता है। क्या नाम है बाबू? रंजन। स्कूल क्यों नहीं जाते हो? सड़क खराब है। सड़क खराब होने के नाते नहीं जा पा रहे हो? कब से नहीं जा रहे हो? एक महीने से। क्या नाम है बाबू? प्रिंस। बोलो क्या परेशानी है? सड़क पर से जा रहे हैं तो सड़क पर बहुत कनाई है, दूसरे गांव पर से घूम कर जा रहे हैं तो ज्यादा टाइम लग रहा है स्कूल पर। मंजीत मौर्य। किस क्लास में पढ़ते हो? 10। क्या समस्या है बताओ? एक बार पानी भर देता सारे बच्चे पढ़ नहीं जा पाते हैं, ठेहुन भर कचड़ा है, यहाँ से वहाँ तक है 2 किलोमीटर कचड़े पड़ जाते हैं, इसी कारण कोई बच्चे पढ़ नहीं जा पाते हैं। घूम के जाते हैं तो 6 किलोमीटर पड़ता है, टाइम ज्यादा लगता है।